आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। धनतेरस पर क्यों जलाए जाते हैं दिए, जानिए धनतेरस की पौराणिक कथा। भगवान धन्वंतरी को याद करके धनतेरस पर आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक सभी करते हैं पूजन अर्चन। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। 5 दिनों के दीपोत्सव पर्व को लेकर बाजारों में खूब रौनक देखने के लिए मिलती है। इस 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू जैसी चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा का विधान होता है। आप सभी हर साल धनतेरस के दिन आगे बढ़ चढ़कर खरीदारी करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस के पीछे की कहानी क्या है? अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा धनतेरस के दिन दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। जानकार विद्वानों के अनुसार पहली कहानी के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपकी दी हुई आज्ञा का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताऊं कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गए। एक दिन एक राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गए। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। राजा की पत्नी के पुत्र होने पर ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश उस राजा जिसे हिमा नाम के राजा ने प्रश्रय दिया था, उसकी पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पिघल गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। इसके उपरांत यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। इस प्रथा को यमदीप दान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घर की महिलाएं मिट्टी के दिए जलाती है जो रात भर यम की स्तुति करते हुए जलते रहते हैं। गेहूं के आटे से बने 13 दिए जलाए जाते हैं और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है। जैन धर्म में इस दिन को धनतेरस की जगह धन्यतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है 13वीं का शुभ दिन। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन महावीर इस दुनिया में सब कुछ छोड़कर मोक्ष से पहले ध्यान करने की अवस्था में थे, जिससे यह दिन शुभ या धन्य हो गया। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक
समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस मौके पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को श्रीहरि विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी ने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भारतीय संस्कृति में सेहत को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। यह कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, नए बर्तन और गहने खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लोग इस दिन नए बर्तन खरीदकर मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, जिससे घर में समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन घर में नई चीजें लाने से धन आगमन होता है। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।